अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। और आज फ्लोर निडिंग मैं आगे रेसिपी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो आपने पूरी रेसिपी को बहुत ध्यान से देखना है। आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा एडवांस और यूनिक मशीनरी आ गई है फ्लोर नीडिंग की, तो इजीली सब कुछ हो जाता है। बट अभी भी कुछ लोग अपने हाथ से आटा गूंदने को प्रेफर करते हैं। तो जो वुमेंस या जो गर्ल्स आटा गूंदने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं कि वो बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर देती हैं, तो शुरू से मेरी इस रेसिपी को ज़रूर देखते जाइए। आटे के अंदर हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालना होता है, ठीक है। जिस तरह हम एक डो को गूंद रहे होते हैं, इस तरह हमने पानी डालना होता है। तो आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, और जब इस तरह से सारा आटा समो जाए उसके बाद आपने इसके ऊपर मुक्की लगानी है ताकि आटा सॉफ्ट हो जाए। ध्यान रहे कि पानी की क्वांटिटी ज़्यादा ना हो ना कम हो, कि वो उसके अंदर थोड़े थोड़े से लम्स रह जाएँ, कोई गुठलियाँ रह जाएँ। और इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से इसको पुश करना है, ठीक है। जब आटा अच्छी तरह गूंद जाए तो आपने देखना है कि कितना सॉफ्ट हो चुका है। आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको बहुत पतला भी लग रहा हो तो इट्स ओके, आप इसके अंदर ड्राई आटा मिला सकते हैं। और उसके बाद आपने हल्का सा घी अपने हाथों पे लेके सब जगह से इसको मलना है, गूंद लेना है। इससे ये होगा कि आटा बहुत सॉफ्ट मुलायम मलाईदार गूंदेगा, बहुत ही ज़बरदस्त इसको रोटी फूलेगी इसकी। और आपने थोड़ा सा नमक आपने आखिर में लगाना है, क्योंकि शुरू में भी डालना कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं आखिर में यूँ डाल रही हूँ। इससे जितना आटा इधर उधर लगा होता है नमक से, सारा आटा उसके साथ मतलब एक सार होकर आ जाता है, और ऊपर से उसके ऊपर बहुत अच्छी सी एक लेयर आ जाती है। तो ये आटा तैयार है। अगर आप स्कूल कॉलेज गोइंग हैं या ऑफिस गोइंग गर्ल्स हैं तो इसको आप स्टोर भी कर सकती हैं किसी कंटेनर में रख कर। और अगर आपने जब भी यूज़ करना है आटे को, तो आप अपने स्टील के थाल में ही रहने दें। आटा थाल में रहता है तो ठंडक भी रहती है और फ्रेश रहता है, ख़राब होने का खदशा नहीं होता। तो आपने बॉक्स लेना है इस तरह का। और अगर आपको मेरा आटे गूंदने की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।